नमस्कार, मैं गोपाल पारिक। आप देख रहे हैं आपका अपना नमो न्यूज चैनल। सुल्तानपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ किशोरपुरा गांव में स्वर्गीय श्री रामचरण जी ज्वाला और स्वर्गीय श्री शिव शंकर जी ज्वाला की पुण्य स्मृति में आज दो दिवसीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का कोटा बूंदी लोकसभा संसद ओम बिरला द्वारा शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की कुल 35 टीमों ने कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। इसमें प्रथम दिन शुभारंभ मैच में नया गांव ऐरा ने बमूलिया रणमल को 2 रन से हराया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में स्वर्गीय श्री रामचरण जी ज्वाला और स्वर्गीय श्री शिव शंकर जी ज्वाला की पुण्य स्मृति में 2 दिवसीय प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का कोटा बूंदी लोकसभा सांसद ओम बिरला द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सुल्तानपुर ब्लॉक हाड़ोती में कबड्डी का गढ़ है। भविष्य में यहाँ की प्रतिभाएं कबड्डी के लिए पहचानी जाएगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की प्रेरणा तथा हार खिलाड़ियों को निराश नहीं होने की बात कही। उन्होंने किशोरपुरा गांव में नरेगा के तहत खेल मैदान बनाने की भी घोषणा की और कहा कि वह हर खेल प्रतिभा को सामने लाने के लिए वह हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य प्रेम गोचर, डॉक्टर एल एन शर्मा, मनाना सरपंच रमाकांत गौतम, रामतार ज्वाला, सुल्तानपुर पूर्व उप सरपंच नरेश शर्मा, पूर्व सरपंच विनीत शर्मा, राजकुमार नंदवाना, नीरज नागर समेत कई मौजूद थे। निर्णायक मंडल सदस्य श्री चेतन जदूरिया और किशन नागर राजेंद्र मीणा ने बताया कि प्रथम ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता में क्षेत्र से कुल 35 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले दिन मुकाबला बमूलिया रणमल और नया गांव के मध्य खेला गया। इसमें नया गांव ने 2 अंकों से बमूलिया रणमल को हरा दिया। इससे पूर्व सांसद का गांव वासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ स्वागत भी किया गया। प्रतियोगिता में दूर दराज से प्रतियोगिता देखने के लिए गांववासी उमड़े। इस मौके पर सांसद द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जहां पर पहले रोमांचक मुकाबले को सांसद ने भी निहारा और प्रतियोगिता का आनंद लिया। इस मौके पर प्रतियोगिता आयोजक कमल ज्वाला ने बताया कि प्रतियोगिता में दूर दराज से टीमों ने हिस्सा लिया है। इसमें विजेता टीम को 21,000 रुपये का पारितोषिक तो उप विजेता टीम को 11,000 रुपये का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। खेल के दौरान सभी में खासा उत्साह नजर आया।